हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी सिंह स्किन केयर। फ्रेंड्स, जैसे कि दिवाली आ रही है और दिवाली पे हम सब चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमके, दमके, गोरा लगे और ग्लोइंग करे, तो उसके लिए आज मैं एक ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जो इतना इफेक्टिव फेस पैक है फ्रेंड्स। अगर आप इसे यूज़ करते हैं एक ही बार में, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर जो इंग्रेडिएंट्स मैं इस फेस पैक में बनाने में आपको बताऊंगी, आपको वही सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं, इजीली आपको मिल भी जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इस फेस पैक को यूज करने के लिए। तो सबसे पहले है मुलैठी पाउडर, तो आपको मुलैठी पाउडर लेना है। सेकेंड है कस्तूरी हल्दी। थर्ड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल, आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है गुलाब जल। तो चलिए इसे कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है, पर मैं जैसे यूज करने का आपको तरीका बताऊंगी, आपको इस फेस पैक को वैसे ही यूज करना है, उतने ही टाइम यूज करना है, तब आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी कितनी क्वांटिटी में आपको वही चीज़ें उतनी ही यूज़ करनी है जितना मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मुलैठी पाउडर जो है रंग को फेयर करने के लिए ही फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट माना जाता है। तो हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हमें लेना है एक चम्मच करीब मुलैठी पाउडर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक चम्मच करीब हमने मुलैठी पाउडर इसमें ले लिया है। फिर हम इसमें लेंगे कस्तूरी हल्दी। तो कस्तूरी हल्दी जो है हमें सिर्फ एक पिंच करीब लेनी है, इतनी सी, तो वो हम ले लेंगे। कस्तूरी हल्दी भी बहुत ही अच्छी होती है, एंटीसेप्टिक होती है और हमारे स्किन के दाग धब्बों को दूर करने में, हमारे स्किन को फेयर करने में, ग्लोइंग बनाने में हमारी बहुत हेल्प करती है। उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है ये भी हम लेंगे एक चम्मच करीब। तो हमने एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देना है इसमें। और हमें 7 से 8 बूंद लेनी है गुलाब जल की। गुलाब जल हमारी स्किन को ग्लोइंग तो बनाता ही है फ्रेंड्स, साथ ही हमारी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। और एलोवेरा तो वैसे ही हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने के साथ साथ इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी स्किन को फेयर भी करती हैं, ग्लोइंग भी बनाती हैं। तो इन सब का एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, एक फेस पैक ये देखिए बन के रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। फिर इस फेस पैक को कैसे लगाना है फ्रेंड्स, इसका आपको ध्यान रखना है। और जितना टाइम मैं आपको बताऊं इसको, फेस पैक को आपको अपने फेस पर उतनी टाइम ही यूज करके रखना है। तो सबसे पहले हम अपना फेस क्लीन कर लेंगे। वैसे मेरा फेस क्लीन है, पर फिर भी जब भी आप इस फेस पैक को यूज करें तो अपना फेस क्लीन जरूर कर लें एक बारी। तो चलिए अब इसे अप्लाई कर लेते हैं। एक बार यूज से ही फ्रेंड्स आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका कि आप इससे हर फेस्टिवल या आपका कोई भी फंक्शन हो, शादी हो, पार्टी हो, कहीं भी हो, बर्थडे पार्टी हो, आप उसको जरूर यूज करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए इस फेस पैक को अब हमने अपने पूरे फेस पर, नेक पर यूज कर लिया है, अप्लाई कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पूरे 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पे लगे देना है, पूरा टाइम देना है इसे। हमें ये नहीं कि इसे जल्दी से झटपट से धो लेना है, अगर आपके पास पूरा टाइम है तभी आप इस फेस पैक को बनाएं और तुरंत लगाएं। पूरे 15 मिनट तक आप इसको अपने फेस पर रखें, तब इसका अच्छा रिजल्ट, पूरा रिजल्ट आपको मिल पाएगा। क्योंकि इसमें हमने लिया है मुलैठी पाउडर, मुलैठी पाउडर स्पेशली रंग को फेयर करता है, इंस्टेंट फेयर करता है और हमारे स्किन को अंदर से ये ग्लोइंग बनाता है। दूसरा हमने इंग्रेडिएंट जो लिया है इसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, अंदर से उसे सांस लेने देता है। और एलोवेरा जेल में जो है वो अंदर से ग्लोइंग, तो हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है, फेयर तो करता ही है, दाग धब्बों को दूर करता है। फिर हमने इसमें ली है कस्तूरी हल्दी, कस्तूरी हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, कील मुहासे पिंपल्स की प्रॉब्लम्स को तो दूर करती है, साथ ही रंग को फेयर करने में, स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करती है। फिर हमने लिया है इसमें गुलाब जल, तो गुलाब जल का क्या काम होता है, स्किन को ग्लो देने का काम होता है गुलाब जल का। अगर आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं तो जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो गुलाब जल अगर अपने चेहरे पे एज अ टोनर यूज करते हैं तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लोइंग रेगुलर बनती जाएगी। तो आपको ये काम करना है, 15 मिनट इसे फेस पैक को अपने स्किन पर लगे रहने देना है। उसके बाद जब ये पूरी तरीके से सूख जाए तो आप इसे वॉश कर लें। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं फिर आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा फेस पैक जो है वो अच्छे से सूख गया है, तो अब हम इसे क्लीन कर लेते हैं गीले टॉवल से, हैंकी से, या फेस को नॉर्मल पानी से वॉश करना है आपको। पहले इसे थोड़ा गीला कर लें, एकदम से रब नहीं करें आप इसे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना आपको फर्क दिख रहा है एक ही बार में। मैं आपको यहाँ पे क्लीन करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको लाइव इसका रिजल्ट पता चले। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हमें अच्छा इसका रिजल्ट दिख रहा है पहले ही यूज में। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप हफ्ते में दो बार यूज करते हैं तो यकीन मानिए आपका कलर फेयर तो होगा ही, साथ ही इतनी अच्छा ग्लो आपके स्किन को मिलेगा और सारी चीजें प्राकृतिक हैं, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करेंगी, पिंपल्स, एक्ने, डार्क स्पॉट्स और सनबर्न की प्रॉब्लम को भी ये दूर करेगी। तो हफ्ते में कम से कम आप इसे दो बार जरूर यूज करें। और पर फ्रेंड्स जो मैंने टाइमिंग बताई है उसका आपको पूरा ध्यान देना है। अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं 5 मिनट लगाया और छोड़ दिया तो ऐसे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, टाइम लगता है पर रिजल्ट बहुत अच्छा देती हैं। और मुलैठी पाउडर जो है वो इंस्टेंट फेयरनेस का काम करता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। तो और मैंने आपको लाइव इसलिए सब कुछ दिखाया लगा के फेस को क्लीन करके ताकि आपको इसका रिजल्ट सामने ही नज़र आए। तो फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि इस दिवाली आप इस फेस पैक को ज़रूर यूज़ करें और लगाएं। वीडियो अच्छा लगे और जो अच्छा लगेगा ही, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको दिवाली पे चमकने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और हैप्पी दिवाली।